वादे पत्र राज्य होते त्यांच्या हातावर येऊ शकतात. त्याचं पंजाब एक असं राज्य आहे की ज्या ठिकाणी काँग्रेसची सत्ता होती तिथं एक अतिशय वेगळं चित्र आज बघायला मिळते. पण पंजाबमध्ये हा बदल जो आहे तो भारतीय जनता पार्टीला अनुकूल नाही. हा बदल काँग्रेस पक्षाला एक प्रकारचे धक्का देणारा आहे. हा अलीकडे तयार झालेला राजकीय पक्ष आणि त्यांनी दिल्लीमध्ये गेले दोन निवडणुकीमध्ये ज्या प्रकारचं यश संपादन केलं आणि ज्या पद्धतीचं प्रशासन दिलं त्याबद्दलची मान्यता दिल्लीच्या सर्वसामान्य लोकांच्याच आहे. आणि पंजाब हे सिनियरचं राज्य दिल्लीच्या दृष्टीनं त्या दिल्लीच्या कामाचा परिणाम त्याचा लाभ आपला पंजाबमधून झाला असं स्वच्छ दिसते. आणि त्यामुळं पंजाब जर सोडला तर बाकीच्या ठिकाणी लोकांनी स्थितच कवाजी जे सध्या आहेत त्यांना समर्थन देण्याच्या संबंधीची भूमिका घेतली आणि त्या ठिकाणी भाजपचं राज्य पुन्हा प्रस्थापित झालेलं आहे. काँग्रेस की स्थिती पंजाबमध्ये अशी थी एक जमान्याने मगर वहा इंटरनल कुछ डिसिजन काँग्रेस ने फिर से 6 महीने में लिए. मुझे लगता है कि इसका स्वीकार पंजाब की जनता ने किया है. अमरिंदर के नेतृत्व वाली सरकार वहाँ थी उनको हटाया गया. नई लीडरशिप वहाँ लाई गई और यह डिसीजन लोगों को पसंद था ऐसे दिखाई दे रहा. और यह डिसीजन लेने के बाद अमरिंदर सिंह जैसे एक प्रभावशाली नेता उन्होंने एक अलग पार्टी निकालकर एक जिनके हाथ में देश की हुकूमत है इन लोगों के साथ कुछ रिश्ता रखने की कोशिश की है. ऐसा एक इंप्रेशन पंजाब में हुआ और वो पंजाब को जनता को पसंद नहीं था. पंजाब की स्थिति अलग थी इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग सब जानते हैं कुछ कानून के खिलाफ पंजाब का था हरियाणा का था मगर इस चुनाव में जो लोग चुनाव के लिए जाने वाले थे इनमें से पंजाब का हिस्सा इस आंदोलन में ज़्यादा था. और पंजाब के खास तौर पर किसानों के मन फेक हुआ और इसलिए वहाँ लोगों ने कांग्रेस को हार लगाया और एक नए पार्टी को मौका देने के लिए उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया और हुकूमत आपके हाथ में दे दी. सर आम आदमी पक्षाचं जे एकंदरीत जी स्ट्रॅटेजी आहे की या कुठे ना कुठे या ठिकाणी कामाला पडेगा कारण ते वारंवार अरविंद केजरीवाल आपली भेट घेतात आणि त्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जे कार्य केलं आहे त्याच्यामुळे त्याला फायदा झाला असं वाटतं. मला असं वाटतं की केजरीवालचं जे दिल्लीचं सरकार आहे त्या सरकारच्या संबंधी
दिल्लीच्या सामान्य माणसाच्या समोरची वचन तुम्ही कधी जाणून घेतली तर ती वचन केजरीवालच्या पक्षाच्या बाजूची असतात. झाली केजरीवालांची आम्ही काही जास्त म्हणजे संस्था दिल्लीमध्ये इथे सांगता आणि इलेक्शन संस्थेमध्ये दिल्लीमध्ये गेले आमच्या माझ्या निवासस्थानी काही जे लोक कर्मचारी आहेत त्यांना सहज विचारलं मत पुन्हा दिलं त्यांनी सांगितलं आम हजेरीवर दिलं आणि का दिलं तर त्यांनी साधारणतः सांगितलं की आरोग्याच्या संबंधीची ज्या सुधारणा त्यांनी केल्या प्राथमिक शिक्षणाच्या संबंधीचे जे त्यांनी निकाल घेतले आणि आम्ही असे काही निकाल घेतले ते आम्हाला भावले आणि म्हणून आम्ही त्यांना संधी दिली. त्यामुळं यावेळीची पंजाबची जी परिस्थिती काँग्रेसच्या अंतर्गत अडचणीच्या म्हणून निर्माण झालेली होती आणि पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या मध्ये केंद्र सरकारच्या संबंधीचा जो राग होता या दोन्ही गोष्टी बघितल्याच्या नंतर पंजाबच्या जनतेला आपला संधी द्यावी या निष्कर्षापूर्वी घ्यावं असं वाटलं आणि ते आम्हाला दिसत होतं त्या पद्धतीचे आहे. सर विपक्ष किस तरीके से देखना चाहिए क्योंकि यूपी जैसे चार राज्यों में जीत होती बीजेपी दोबारा खासतौर पर यूपी को लेकर विपक्ष किस तरह से इसको देखेगा और किस तरह से आप लोग आगे बढ़ने की सोचेंगे? ऐसे विपक्ष की आज ही अभी तक तो फाइनल काउंसिल चालू है इसे अभी के अभी विपक्ष की नीति क्या रहेगी किस तरह से देखे है ये कहना ठीक नहीं. मगर मुझे विश्वास ये है कि देश में नॉन बीजेपी पोलिटिकल पार्टी के लिए एक बड़ी संख्या है. कई राज्य ऐसे हैं चाहे तेलंगाना हो चाहे आंध्र हो चाहे केरला हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे राजस्थान हो ऐसे कुछ राज्य है कि जहाँ नॉन बीजेपी पोलिटिकल पार्टी आज मिलकर काम कर रही है. मुझे लगता है कि जो नेशनल इशूज आते हैं इसमें दो हिस्सा है दो भाग है सीधा. लोगों ने जो डिसीजन दे दिया कोई भी प्रजातंत्र पर जिनका भरोसा है ये मेरे जैसे सब लोगों का डिसीजन का स्वीकार करेंगे क्योंकि ये लोगों का डिसीजन है. अगर किसी डेमोक्रेसी में लोगों ने डिसीजन दे दिया इसका स्वीकार करना चाहिए सम्मान करना चाहिए. मगर साथ साथ राजनैतिक दल के नेता इस माध्यम से आपने मुझे सवाल पूछा भले ये पांच राज्यों में एनसीसी की कोई ज़्यादा चुनाव में दिलचस्पी थी या इंटरेस्ट था ऐसा नहीं था फिर भी आज देश में एक प्रभावशाली एक अल्टरनेटिव देने के लिए कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के आधार पर कुछ बातें हो सकती है तो वो प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी. कि कल के कल होगा ऐसे नहीं मैं कहता हूँ. अगले 14 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा एक महीना हम सब लोग पार्लियामेंट में है तो बैठेंगे बातें करेंगे और आगे की नीति तय करके मिलकर कुछ कदम उठाकर लोगों को प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए सहयोग देना ये हमारा फर्ज है. सर आपने हमेशा ही सर कांग्रेस को लेकर आप लोग हमेशा कई बार साथ सबको साथ में लाने की बात करते लेकिन कांग्रेस इस सच्चाई को हकीकत सच्चाई को कबूल करने को तैयार नहीं है कि उनकी विरासत जैसे पिछले बार भी आपने कहा था कि जमींदार की तरफ भी वो देखते हैं. आपको लगता है सर कम से कम अब आगे बढ़े सबको साथ लेने के मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ किसी कांग्रेस के नेता के साथ सुबह से अभी तक बात नहीं हुई और एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी हुए चुनाव में उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला होगा फिर भी एक कई सालों से देश में काम करने वाले राजनीतिक दल है बिना पूछे
बिना डिस्कस करके इनके बारे में या किसी पार्टी के बारे में रिएक्शन लेना उन्हें ठीक नहीं है। पंजाब मध्ये ज्या प्रमाणे राहुल गांधी आणि सोनिया गांधीने मूव केला आहे, ज्यामध्ये अमरिंदर सिंगला हटवून चेन्नईला मुख्यमंत्री केलं, ती जी चूक आहे ही मोठी चूक मानता का आपण? कारण हा जो डिसिजन म्हणजे मागासलं करना चाहिए उनका, इसका रीजन क्या दिखता है ये सब लोग देखते हैं, मगर अपने पार्टी में किस तरह से कदम उठाना, कौन से डिसीजन लेना, वो उनका अधिकार है, इसे उन्हें रिएक्ट होने की जरूरत है। सर जी सर, सर देख रहे हैं पांच राज्यों का चुनाव, वहाँ जो पैसा जो भी चल रहा है, रुझान आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कांग्रेस की जो स्थिति काफी खराब, तो अब कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि पांच राज्यों में ना कि गोवा में देख रहे हैं, मणिपुर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें या यूपी की बात करें, कांग्रेस की स्थिति दिन पर दिन काफी खराब, कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस को? इस तरह से स्थिति राजनीतिक जीवन में कभी ना कभी आती है, मुझे याद है शायद आप लोग सब ज़्यादा इस क्षेत्र में नहीं होंगे, 1977 में और इसके सभी राज्यों में कांग्रेस हारी थी एक्सेप्ट वन और टू इन साउथ, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ये जितनी राज्य है वो सभी गुजरात हो, सभी जगह पर कांग्रेस हारी थी। तब कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई, राजनीतिक दल इलेक्शन में कभी हटता है, मगर इसका जो पॉलिटिकल लीडरशिप एंड फील्ड में काम करने वाला उनका एक्टिविस्ट कार्यकर्ता वो मजबूती से फिर अपने संगठन मजबूत करके लोगों की समस्या हल करने के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी रखते हैं तो लोग स्वीकार करते हैं। 77 में कांग्रेस देश में वाइपआउट हुई, 80 में कांग्रेस के हाथ से देश के लोगों ने हुकूमत दे दी, ये हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये बात सच है कि ये पांच राज्यों का जो लोगों का डिसीजन है तो भारतीय जनता पार्टी को फेवरेबल है, इसका स्वीकार करना पड़ेगा। जो राजनीतिक दलों में काम करते हैं और ग्राउंड लेवल की सिचुएशन जानकर कदम उठाने की तैयारी रखते हैं उन्होंने। सर महाराष्ट्रामध्ये आता एक पांच राज्याचा निकाल आता, महाराष्ट्रामध्ये काय परिणाम होईल का? पण असं म्हटलं जातं की ये तो झाकी आहे, महाराष्ट्र बाकी आहे। ठीक असं है, महाराष्ट्र बाकी है तो महाराष्ट्र तैयार है। सर गोवा के जिस तरह से रुझान आए हैं उसमें अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है कि सरकार कौन बना पाएगा, कांग्रेस भी एक स्तर तक पहले से पहले के मुकाबले बेहतर की है, लिहाजा स्थिति क्या है कि गोवा में चिदंबरम भी मौजूद है, क्या बीजेपी वापस सत्ता में आने की स्थिति दिख रही है या फिर क्योंकि तृणमूल भी है आम आदमी पार्टी नहीं, तब गोवा में कांग्रेस की ज़्यादा सीट होने के बावजूद कोई अलग टेक्नोलॉजी यूज करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में हुकूमत की, सरकार बनाया, सरकार चलाई। आज मुझे ऐसे लगता है कि वही स्थिति शायद वहाँ होगी, और आज जो स्थिति है ऐसे इलेक्शन से पहले की इसमें कोई परिवर्तन होगा ऐसे मुझे प्राइम ऑफिसी लगता नहीं। सर पवार साहब, आप पंजाब की सुरक्षा को लेकर अक्सर कहते रहे, खासतौर पर आपका जो लोग पहले पिछले चुनाव में समर्थन कर रहे थे, अब चूंकि उन्हीं की सत्ता शायद आ सकती है, आपको लगता है केंद्रीय एजेंसी या फिर केंद्र सरकार उन्हें अब थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बॉर्डर स्टेट है और जिस तरह के लोग सत्ताधारी जो शायद सरकार बनाएंगे उनका समर्थन देते हैं सिंपथाइजर एक तरह से? जब पंजाब के दिल्ली में किसानों का आंदोलन हो गया तो इसमें आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा हिस्सा था पंजाब के किसानों का, और तब
ये संगठन है राजनीतिक दल के नेता लोगों को हमारे एजुकेशन से दूर रहे इस तरह की सुधारना की थी और इससे हम लोग रिश्ते रखते थे मगर डायरेक्ट उनके एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं थे क्योंकि उनकी एक लाइन थी उनके खाती से दूर रहना चाहिए। इसमें भी ये एजुकेशन जब हम देख रहे थे और कुछ लोगों ने वहाँ के किसानों को आतंकवादी है खालिस्तानवादी है इस तरह से कुछ चीज़ें निकाले, इससे हमने कुछ गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों को, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, कि हमने जाकर ये कहा कि एक पंजाब के किसानों का देश के फूड सिक्योरिटी के फील्ड में योगदान बहुत है, जो देश की रक्षा करने में जो राज्यों के नौजवान चाहे वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, इनमें से सिख वही इनका भी हिस्सा बना है, तीन बॉर्डर स्टेट है और चार इनको हमने नाराज किए, कुछ एक्सट्रीम डिसीजन हमने ले लिए, तो कहाँ तक जाता है ये एक बार हमने इंदिरा जी के निकल रहा था एकदम हमने निष्कर्ष कई तरह विदाउट डिस्कसिंग विद अदर पोलिटिकल पार्टी ठीक नहीं सुदैवाने आता हमारे लोकांना एक महिना पार्लिमेंटच्या सेशनमध्ये संधी मिळणार आहे त्या सगळ्या काळात डायलॉग करता येईल बोलता येईल जाणून घेता येईल होतं खुशी खाऊन टाकता येईल। सर आपल्याकडे ममता बॅनर्जी आल्या त्याच्यावर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आले असे सगळे लोक आपल्याकडे आशेने पाहतात की विरोधी पक्ष नेता किंवा विरोधी पक्षांना एकत्र करण्याचा जो आपला प्रयत्न आहे ज्या पात्रतेचा निकाल आला त्यानंतर मात्र विरोधी पक्ष जी जी ताकद आहे त्याचा कमी होईल असं वाटतं का, कारण जो निकाल आला आहे तो विरोधी पक्षाच्या बाजूने नाही तो भाजपच्या बाजूने पाहिलं याच्या पेक्षा वर्स सिच्युएशन 77 होते पण 77 नंतर 80 मध्ये दुसरं पिक्चर आपण बघितलं आणि त्यामुळे लगेचच काहीतरी नावेच व्हायचं काही कारण नाही पण आपण कुठे कमी सोडलो आपण कुठे एकत्र येण्याची शक्यता येऊ शकता आहे का कोणत्या इश्यूच्यासाठी महत्त्व दिलं पाहिजे या सगळ्या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल पण ही प्रोसेस रिझल्ट फायनल येण्याच्या आधीच सुरू होईल हे मला मान्य नाही हे ही प्रोसेस आता पुढच्या काही दिवसात सुरू होईल। ईव्हीएम मशीनवर अजून पण तुमचा भरोसा आहे का याच्यामध्ये काही गडबड वाटते आपल्याला? काही लोकांच्या तक्रारी आहेत पण मी काही त्याच्या भाषा करू इच्छित नाही कारण ज्यावेळी आम्ही याच ईव्हीएम मशीनच्या वरनं निवडणूक जिंकतो त्यावेळेला आम्ही त्या संबंधीचं काही भाष्य करत नाही आणि असे निकाल लागल्याच्या नंतर करतो। काही लोकांचं म्हणणं आहे की कारणही सांगतात त्यांनी आम्हाला प्रेझेंटेशन दिलं पण आज मी ते कारण आहे असं मान्य करत नाही। सर एक चीज बड़ी चीज दिखाई है सर, जहाँ पे कांग्रेस का पर्याय मिलता है स्थानीय स्तर पर वहाँ पे जनता उस स्थानीय दल को चुनती है। आपको लगता है सर एक बड़ा मैसेज है स्थानीय दलों के लिए लोकल भी कि वो कांग्रेस को रिप्लेस कर सकते हो और कांग्रेस को भी आपको लगता है सबक सीखने की जरूरत है? अन्य पोलिटिकल पार्टी ने किस तरह से कदम उठाना वो उनका अधिकार है, मुझे कमेंट करने के लिए मुझे अधिकार नहीं, तो कांग्रेस सोचेगी कि रिजल्ट आने के बाद। मगर एक बात है कि अन्य नॉन बीजेपी पोलिटिकल पार्टी है शायद वो इस पर बैठेगी सोचेगी और मिलकर कुछ तैयारी करने की संभावना है। सर जिस तरह बात की यूपी की, हमने देखा यूपी का जो रुझान है लगभग 270 के पार है, कहाँ गलती आप देख रहे हैं? योगी सरकार जिस तरह काफी डलमोल दिखा रही थी कि शायद 200 पार भी बहुमत है लेकिन आंकड़ा कुछ पार, कहाँ गलती अखिलेश यादव से हुई है, कहाँ प्रियंका गांधी, कहाँ, क्योंकि काफी जोर शोर से ये सभी लोगों ने प्रचार किया। अखिलेश की गलती हुई ऐसे बिल्कुल लगता है, जिस तरह से अखिलेश की पार्टी को सीट जो मिली है वो कोई नजरअंदाज करने वाला नंबर नहीं है,
ठीक है रिजल्ट ही नहीं दी होगी, मगर दिस यंग मैन वॉज सिंगली ही वॉज फाइटिंग, सिंगली ही वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर इन द स्टेट एंड आई थिंक वॉट वॉज द नंबर विच ही गॉट एंड डेफिनेटली ही शुड नॉट वरी अबाउट द इलेक्शन रिजल्ट बट आई एम श्योर the number which he got will definitely improve his position, not only in Uttar Pradesh, probably in Hindi belt also. Sir, तृणमूलला गोव्यामध्ये तृणमूलने एंट्री केलेली आहे, शिवसेनेला कोणताच आधार मिळाला नाही, कसं बघता तुम्ही? असं आहे की तृणमूलने आई मिळालेला तिथे निवडणुकीत भाग घेतला. खरं सांगायचं म्हणजे एकदम जाऊन सगळ्या जागा लढवायचा तिथं पक्षाचे स्थान नसताना आणि अन्य पक्षाचे लोक घेऊन त्या जागा लढवायच्या, हे जर तुम्हाला चालत असतं तर बरं झालं असतं. तसं उदाहरण असं माझ्या पक्षाचा एकच आमदार असतो, त्याचं नाव चर्चिल, आणि तुम्ही त्या ठिकाणी घेतली त्याच्यानंतर कोण अन्य पक्षाचे लोक आपल्याकडे कशी एकटी घेता प्रयत्न जो काही तुम्ही झाला त्याच्यात चर्चिल हा तुम्ही जॉईन झाला. आता या पद्धतीने निवडणुकीच्या तोंडावर एखाद्या पक्षाचं स्थान त्या ठिकाणी नसताना त्या पक्षाने सवन सगळ्याच्या सगळ्या जागा लढवायचं, तिथल्या स्थानिक अन्य विरोधी पक्षाशी सुसंवाद ठेवायचा नाही, त्याचे दुष्परिणाम हे होत असतात. ते त्यांच्या पुरते नाही, ते इतरांना सुद्धा सहन करावं लागतात. आता तुम्ही जे सांगितलं सेना ही वर्णन राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादीच्या मागच्या आमचे एक दोन आमदार असायचे, पण आता आमचा एक त्याचं फायनल अजून कमती का आहे मला माहिती नाही, पण आज आमचं किंवा सेनेचं त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व नाही. आणि त्याचं कारण आम्ही त्या ठिकाणी एकत्रित सर असं एक बड़ी चीज है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कोरोना में हमने देखा लाशें तैरी गंगा में, आखिर क्या वजह है कि जनहित से जुड़े मुद्दे पर मतदान नहीं होता, इस तरह से एक पार्टी जो है अकेले स्वीप कर जाती, क्या उनका प्रचार तंत्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जिस वजह से ये बुनियादी मुद्दे साइडलाइन हो जाते हैं? बात ऐसी कि ये जो आप कहते हैं बात सच है कि कई सीरियस इशूज थे उन लोगों के सामने, लोगों के बारे में नाराजगी थी, तो ये इशू एग्रेसिवली रखने के लिए हम लोग कहाँ तक काबिल हो गए इस बात की हमें सोचने की आवश्यकता है. सर गोवा राज्य मध्ये आपण विशेष करून लक्ष घातलं आणि जे उमेदवार होते त्यांच्याशी आपली सतत चर्चा होत होती, मागच्या वेळेस काँग्रेसचे चांगले बहुमत असताना हे सरकार बनवून यावेळेस आपण प्रयत्न करणार की काँग्रेस सोबत त्या ठिकाणी सरकार बनवेल किंवा काँग्रेसचं सरकार होईल यासाठी काही आपली पुढाकार आहे? नंबर जर योग्य नसेल तर सरकार बनवायचा प्रयत्न करायचा कशाला? आज काय आमच्याकडे नंबर जास्त आत्तापर्यंत दिसत नाही, फायनल चाली आल्या पाहिजे, पण प्रायमा फेसी आत्ता आम्ही त्याचा फार लक्ष घालावं अशी स्थिती मला दिसत नाही. आणि खरं सांगायचं म्हणजे की ज्या दिवशी तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना असे सगळ्यांनी त्या ठिकाणी असे उमेदवार जाहीर केले त्यानंतर माझ्यासारख्यांनी त्या निवडणुकीचं लक्ष काढलं. गोवा हे जवळचं राज्य आहे, व्यक्तिगत संबंध खूप आहे, पण मी सगळ्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेत तिथे एक पाऊलसुद्धा टाकले नाही. सर मग गोव्याचा निकाल तुम्ही कुठेतरी हा अपेक्षित मानत होतात का? असं म्हणजे एकंदरीत परिस्थिती जी होती निवडणुकी प्रचाराच्या दरम्यान, मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की या सवर्ण निवडणुकीचा निकाल एक्सेल पंजाब सेतोस्कवाजी लोकांनी आई यांच्या हातावरील सत्ता द्यायची हा निर्णय घेतलेली. एक बात हमेशा पहले से शुरू हमेशा क्या कही जाती रही है और अभी भी इस रिजल्ट की बात कही जा रही है कि नेतृत्व तो परिवर्तन कांग्रेस के लिए जरूरी है. इस चीज को लेकर राजनीति भी जो है काफी अरसे से हुई थी और अब रिजल्ट के तौर पर जो सामने आया है कहीं ना कहीं अब जरूरी लगता है कि नेतृत्व तो परिवर्तन हो, एक नई दिशा में जाए कांग्रेस. सीधी बात है
कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोगों ने अन्य पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी के बारे में, नीति के बारे में, आगे की राजनीतिक लाइन के बारे में कुछ कहा तो मैं समझ सकता हूँ, मगर इंटरनली उनकी ऑर्गेनाइजेशन से तफरीजें थी इस बारे में कुछ कहना वो ठीक नहीं, वो इनकी खुद की जिम्मेदारी और मुझे पूरा विश्वास है कि कम्युनिस्ट इस बारे में सोचकर पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कोई करने की आवश्यकता है वो। एक अखेरचा प्रश्न, जसजसे निकाल सकाळपासून येत आहे, महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्ष अधिक आक्रमक होत चालली आहे, महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मोठा बदल होईल असे सगळेच नेते बोलायला लागले। ठीक आहे ना, सर, बदलण्यासाठी त्यांना अजून एक अधिक स्वस्त थांबा लागेल आणि त्यावेळी जिथे माझी खात्री आहे की हा जो काय आत्ताचा निकाल लागला हा निकाल लक्षात घेऊन आणि सर हा विकास आघाडी जी आहे त्याचे सगळे लोक अधिक जवळ झालेल्या राज्याचं चित्र आणखीन सुद्धा ईडी आणि सीबीआयच्या तक दाढी वाढू शकते, चालूच आहे। तुम्ही काल फिगर दिलेला ना की याच्या अनेक देशकांच्याकडे त्यांना अरेस्ट केल्याच्या नंतर 90 एका व्यक्तीच्या त्याच्या जवळच्या कुटुंबियांच्या लोकांच्यामध्ये 90 हे असतात। एक नवीन कार्यक्रम घेतलेला आहे राज्यकर्त्यांनी दिलेला, ठीक आहे, त्या कार्यक्रमाला तोंड द्यावं लागतं राज्य। सर, हे सर हे दावा करतात की हे जे महाविकास आघाडी सरकार आहे किती काही इकडे उलट पालट झाले जवळपास, तर हे सरकार टिकेल चालेल आपल्या याच्यात? इथे सरकार टिकेल आणि सरकार पुन्हा सत्य होईल।